वेलकम इन्वेस्टर्स, स्टॉक इन द न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का डेट है 30 सितंबर 2020 और हम डेली बेसिस पे कर रहे हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस। तो जैसे कि आज का ट्रेडिंग सेशन में हम देख पा रहे हैं कि स्टॉक का प्राइस एक नैरो रेंज में हमें ट्रेड करता हुआ नजर आया। पहले तो निफ्टी ओपन होकर नीचे आई इस डिमांड जोन में, और फिर डिमांड जोन में आने के बाद जैसे कि हम देख पा रहे हैं, चार्ट को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये 30 मिनट का चार्ट है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उसके बाद इस डिमांड जोन में आने के बाद किस तरीके से सपोर्ट लेके निफ्टी ने, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो आपको इस डिमांड जोन के बारे में भी पता होगा। तो यहाँ से एक बाउंस बैक हमें देखने को मिला, और यहाँ पर देखिए 11,300 25 से 30 के पास का जो रेंज है, जो प्राइस रेंज है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस इसे निफ्टी को मिल रहा है ऊपर जाने के लिए, और उसके चलते स्टॉक का सॉरी निफ्टी 50 नीचे आई। और कल अगर हमें निफ्टी यहाँ पर फिर से मिलती है तो हम फिर से यहाँ पर बाय करके चल सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 11,180 का होगा, तो उस स्टॉप लॉस के साथ में निफ्टी यहाँ आती है तो हम इसे बाय करके चलते हैं। लेकिन जैसे ही आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर हम देखेंगे, ये जो डिमांड जोन बना हुआ है, मैं हमेशा आपको कहता हूँ जब निफ्टी का प्राइस डिमांड जोन में आए, जैसे कि देखिए आज एक बेरिश कैंडल यहाँ पर इस डिमांड जोन में आया, और डिमांड जोन में आने के बाद यहाँ पर डिमांड जोन में किसी प्रकार का क्लोजिंग नहीं, जो सेकेंड कैंडल फॉर्मेशन हुआ उसने भी देखिए यहाँ पर किसी प्रकार का इस डिमांड जोन में क्लोजिंग नहीं दिया हुआ है। उसके बाद आप इस कैंडल पे इस प्राइस पे 11,220 पे बाय करके इसे सेल कर सकते थे 11,280 के आसपास। और कल के ट्रेडिंग सेशन में भी अगर निफ्टी 50 इस डिमांड जोन में आती है और किसी प्रकार का अगर इस डिमांड जोन में हमें क्लोजिंग नहीं मिलता और 30 मिनट के चार्ट पे, तो हम इसे शॉर्ट भी कर सकते हैं। जो आपका जो टारगेट रहेगा वो निचली जो डाउन साइड के टारगेट से वो आपके अचीव हो सकते हैं, वो आपको मैं व्हाट्सएप पे अपडेट कर दूंगा। अब हम ये सोच के चलते हैं कि निफ्टी कल इस डिमांड जोन में आके बाउंस बैक करेगी। अगर बाउंस बैक करती है और 11,330 के ऊपर अगर ये निकल जाती है, तो कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें 11,400 और 11,465 के जो दो टारगेट है वो कंप्लीट होते हुए दिख सकते हैं। या फिर अगर निफ्टी गैप अप ओपन होती है और फिर ऊपर के ऊपर ही अगर वो ट्रेड करती हुई जाएगी, या फिर ये जो 11,300 का जो लेवल यहाँ पे हमें दिख रहा है, ये जो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है 11,300 का, इसके ऊपर अगर 30 मिनट के चार्ट पे कोई भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाता है ग्रीन कैंडल, तो भी हम निफ्टी को बाय कर चल सकते हैं 11,430 11,465 के टारगेट के लिए। अगर कल निफ्टी यहां से खुलने के बाद इस 30 मिनट के जो डिमांड जोन में किसी टाइप प्रकार का कोई कैंडल क्लोज नहीं होता है इस डिमांड जोन के अंदर, तो भी हम यहां पर निफ्टी को बाय करके चल सकते हैं। एक्चुअली डाउन साइड के टारगेट्स मैंने इसलिए नहीं निकाले क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि कल निफ्टी इस डिमांड जोन को तोड़ के नीचे आ सकती है। मैं बुलिश हूँ निफ्टी के ऊपर, क्योंकि जो अगर हम ट्रेंड देखेंगे यहाँ पे तो ट्रेंड अच्छा खासा अप ट्रेंड है, तो चांसेस यही बनते हैं ज्यादा कि निफ्टी यहाँ से टर्न लेके ये जो एक रेजिस्टेंस है इसे ब्रेक करते हुए कल इसके ऊपर क्लोजिंग दे सकती है। ये था निफ्टी 50 का टेक्निकल एनालिसिस ऑन द बेस डिमांड एंड सप्लाई। ये एनालिसिस आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।